Assalamu alaikum and good evening everybody. Today we have a very special guest with us. और अभी वो हमें join करेंगे. आए उनके बारे में मालूम करते हैं. Mr. Ijaz Nisar, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ारा. वेलकम वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मी ऑनलाइन. थैंक यू फॉर कमिंग. सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए. जरा सा टेक्निकल थोड़ा सा इशू आ गया था. कैसे हैं आप? आप थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए. आपके आप योर बिजी पर्सनैलिटी एंड वेल नोन पर्सन इन द बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो नोन एज द सीईओ ऑफ सीईओस. तो आप थोड़ा सा हमें अपना जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह से या आपने कैसे आपका मैनेजमेंट जी जी बोले ज़ारा. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका. मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इजाज़ आप क्या करते हैं, तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में. कि लिखने पढ़ने का काम करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है. दुनिया ने तजर्बात और हवादस की शक्ल में जो कुछ दिया है वो लौटा रहा हूँ. यानी कि जो कुछ तजुर्बे हैं मैनेजमेंट हाउस बेसिकली और जो सीईओ क्लब, एक ड्रीम था, एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में सीईओ को हमने कभी हीरो नहीं समझा. हमने सिर्फ फिल्मों के हीरोज को हीरो समझा. तो इजाज ने सर को अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक दिया कि मैंने पाकिस्तान के कोई 500 से ज्यादा 500 प्लस सीईओ को हीरो बना दिया. कि वो लोग हैं जो जॉब्स क्रिएट करते हैं. आज भी जो इस वक्त डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो ज़ारा जी इसमें भी आप देखेंगे सबसे बड़े हीरोज हमारे एक तो डॉक्टर्स हैं. एक वो लोग हैं जो डॉक्टरों को, इस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, जो जॉब्स दे रहे हैं, जो लोगों को अभी तक सैलरीज दे रहे हैं, वो असल में हमारे हीरोज हैं. तो ये मैनेजमेंट हाउस का एक जर्नी थी जिसमें मैंने 17-18 साल एक सिविल सर्विस में जॉब किया, नौकरी की सरकार की. फिर उसके बाद एक ख्वाब की खातिर हम लोगों को वैसे पागल कहते हैं कि यार जो ख्वाब जो होते हैं जो फॉलो करते हैं वही होते हैं जो पागल हैं. वरना अच्छी भली सरकारी एक ग्रेट 20 की जॉब छोड़कर इतने बड़े स्टेट बैंक को, पाकिस्तान को छोड़ के कोई अपनी ख्वाबों के पीछे भागे. ये आप जैसे लोग जो सऊदी अरब से आते हैं या मेरे जैसे लोग जो नौकरी छोड़ के, ये पागल पान है जी. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको कामयाब किया. आज भी हजारों लोग ज़ारा जी आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं. और ये लीडरशिप के ऊपर हमारा फोकस होता है कि वी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स एंड सीईओस एंड जनरेशन एज अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या ज़हन में आ रहा है जी? एक सेकंड, आवाज आ रही है आपको? कनेक्शन थोड़ा सा मेरा इशू कर रहा है जी. जी एक सेकंड, उसमें जरा दूसरा कनेक्शन से ऑनलाइन हो जाओ ताकि, बिकॉज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी वांट टू आस्क यू इज के आपको इंस्पिरेशन कहां से मिलता है? आप जैसा बंदा जो है इस जिस फील्ड में, आप वहां इंस्पिरेशन किधर से लेते हैं? मैं बस ये एक सेकंड जरा से नेक्स्ट थोड़ा सा हमारा ये जो ज़ारा आवाज आ रही है आपको ज़ारा जी? जो मेरी इंस्पिरेशन है वो बेसिकली वो आती है मेरे पर्पस से, मिशन स्टेटमेंट से. और वो जिंदगी का जो बुनियादी जो मिशन स्टेटमेंट है वो है कि हाउ वी कैन ऐड वैल्यू. हम कैसे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आ सकते हैं. वो जो मिशन होता है ना आपका, जो जिंदगी का मकसद होता है, वो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है. फिर कुछ लोग होते हैं आपके टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो ये सारे के सारे लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपको अपने काम से मिलती है. जब अपने काम को, अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं, व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू, तो फिर दैट इज अ रियल एक्साइटमेंट लेवल कि आपने जो ख्वाब देखा और वो आपने पूरा किया. वो ज़ारा जी वो ये कहते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. यानी कि एक एक जज्बा होता है, एक चाहत होती है कुछ करने की, और वो चीज जो है इंसान को पहले आगे लिखी जाती है. अच्छा, अभी जैसे अभी जो COVID-19 के जो के हवाले से अगर हम बात करें, तो अब जैसे जो कहना चाहिए जो टाइप का
डिप्रेशंस हैं, लाइक एक मेंटल है, फाइनेंशियल है. तो पहले तो हम बात करें कि जो फाइनेंशियल डिप्रेशन है इसको ओवरकम किस तरह से बिजनेस सेक्टर में, यू नो, बिजनेस पर्सन जो है जिनके लॉस हो रहे हैं. लॉस तो सबका हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जिनका लॉस नहीं हो रहा. तो उसको आप किस तरह से यू नो ओवरकम, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपका मैनेजमेंट हाउस भी है, तो आप सिखाते भी हैं लोगों को ओवरकम करना स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. तो इसमें आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि किस तरह से वो फाइनेंशियल लॉस का जो डिप्रेशन है उसको किस तरह से वो ओवरकम करें? ज़ारा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. आज का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हेल्पलेसनेस है, जॉबलेसनेस है. इस वक्त लोग जॉबलेसनेस और हेल्पलेसनेस का शिकार हैं. तो ये बेसिकली आप इस सिनेरियो में दो सिचुएशन है. नंबर वन, या आप अपनी चॉइस आपकी है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं टू फेस द रियलिटी, रूथलेस रियलिटी. और दूसरा चैलेंज है कि आप स्ट्रांगली मेंटल हो जाएं. ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी कौन सा रास्ता चूज कर लें. आपने आपने जिंदगी के जो तलखियों को, डिफिकल्ट टाइम्स को आपने हंस के गुजारना है या आपने रो के गुजारना है. आपने विक्टिम बनना है या आपने विक्टर बनना है. आपने इम्पॉसिबल समझना है या आई एम पॉसिबल समझना है. ये डिपेंड करता है आपकी अब सोच पे. अब इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि वो क्या कहते हैं कि हर सिचुएशन में उसको मैनेज कर सकता है. तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के जो दिमाग में जो उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ दी है वो उसकी क्रिएटिविटी है और इसकी इनोवेशन है और उसका इमेजिनेशन है. जहां दरवाजा बंद होता है वहीं से दरवाजा खुल जाता है. तो ये एक बुनियादी सा एक जो जो चीज है इसको ऐसा कर देता. तो ये वाला जो बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में हमें हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि हमने अपने आप को इस सिचुएशन में सिर्फ देखना है ये टेम्परेरी है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा. तो इसलिए अगर कोई जॉबलेस होता है तो उस जॉबलेसनेस से होपलेस होना जो है ना वो नहीं होना चाहिए. होपलेसनेस इज अ डिजीज, जॉबलेसनेस इज अ सिचुएशन. हमें उस सिचुएशन को देखना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है आधा ग्लास खाली है. अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपके पास एक जॉब जोड़ते हैं तो आप 10 जॉब्स और आपके जेहन में आ जाती हैं. लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो असल चीज क्या हुआ, बुनियादी जो क्वेश्चन है, ये सारा जो सवाल है, इसमें आपने स्ट्रांगली मेंटल नहीं बन जाना, मेंटली स्ट्रांग होना है और एंडलेस होप होनी चाहिए. अदरवाइज ये होपलेस एंड ना कहीं बन जाए. क्योंकि अगर ये जॉबलेसनेस ज्यादा देर परसिस्ट करे और उसके साथ तो फिर होपलेसनेस आ जाती है. जब होपलेसनेस आ जाती है तो ये इट गोज इनटू द डिप्रेशन. तो आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें डिप्रेशन को कैसे अवॉइड करना है. ठीक हो गया, ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउअडेज. जी जी, हाँ जी, सही सही. अच्छा, ये कुछ कमेंट्स कमेंट्स ले ले, कुछ लोग आप आए तो कमेंट्स भी आ रहे हैं. जवेरी असद इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाजिया खान इज से इज एक्साइटेड. शेख हमीद साहब टॉपिक पूछ रहे हैं. आज का टॉपिक, मिस्टर एजाज इज अ वेल नोन बिजनेस पर्सन एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल. तो आज हम उनसे मोटिवेशन ले रहे हैं फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एंड जो लॉसेस जो रेगुलर इस तरह से हम लोग उनसे मोटिवेशनल advices here. Nawab Faizi is an international model. He is saying, I have a question for Ijaz. Ijaz, could you please tell us that how much impact is there going to be on the Pakistan economy, and is it going to take much time? If yes, then how much? Ka jawab aap de de, Mr. Ijaz. Repeat kijiyega question ko zara saada, main zara pick nahi kar raha, break ho rahi thi awaaz. हाँ, अब आवाज क्लियर है. दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जरा जल्दी से. हाँ जी, सारा क्वेश्चन को रिपीट कीजिए. श्योर श्योर. अच्छा अच्छा, सॉरी अबाउट दैट. ही हाउ मच इज पाकिस्तान्स इकोनॉमी गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड इज इट गोइंग टू टेक ओके lot of time for Pakistan's economy to recover and how long is it going to take to recover? Okay. ये बड़ा बड़ा again बड़ा is a very 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 important question asked by the one of the our audience. वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक basically एक agriculture country है और पाकिस्तान की economy जनरल बहुत आगे effect होने वाली है, hit होगी, पाकिस्तान का GDP और shrink कर जाएगा. ये तो
सारी वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है और बड़े अदारों की भी, तो ये आगे पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत ज्यादा आने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंज आना है वो आना है हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी, जैसे कुछ बिजनेसेस जैसे बहुत हिट होने वाले हैं, ये हो रहे हैं, जैसे कि आपके टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ये अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट है, ये वाले जितने भी बिजनेसेस हैं इनके ऊपर बड़े हिट आनी है। अब इसके ऊपर जो चैलेंजेस को, जो पहला सवाल था कि यस के चैलेंजेस आने हैं और हमें तैयारी करनी है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अभी हमने करना क्या है, हमें करना यह है कि सबसे पहली चीज कि हमें दो चीजों पे फाइट करनी है। नंबर वन, हमें जो भी बिजनेस था उसको आज के दौर में, आज के दिन अपनी लिक्विडिटी, अपनी कैश फ्लो को बहुत एहतियात के साथ अगले 6 महीने के लिए यूज करना है। अगर वो अपनी कैश फ्लो और लिक्विडिटी को मैनेज नहीं कर पाते, अपने लिक्विड एसेट्स को, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो डाई हो जाएंगे जो बिजनेसेस हैं, जिसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम आएगी। तो पहली चीज क्या हुई थी कि पहला जो जो सोल्यूशन है वो है लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, और दूसरी चीज उनका फेथ होना चाहिए फ्यूचर पे कि जो भी गवर्नमेंट करेगी या कर रही है, सिचुएशन आएगी वो उनकी बेहतरी के लिए होगी। तो दूसरा चीज होता है अल्लाह की जात पे फेथ, और आपको अपने आप पे सलाहियतों पे फेथ होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक दिन क्या होता है जारा कि हम हमारे मूड स्विंग्स हैं, एक दिन हम आइसोलेशन को और ये चीजों को, क्वारंटाइन को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट डे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस वक्त बड़े मूड स्विंग्स हुए हुए हैं लोगों के घरों में बैठ के, एक दिन बड़े हैप्पी मूड में और अगले दिन वो बड़े सैड मूड में हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बचानी है हमने, जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारा स्ट्रेस एंड डिप्रेशन है, हमें उसको अपने से दूर रखना है। और उसको इलाज क्या है, सिर्फ फेथ है। फेथ एक ऐसा दवाई है, एक ऐसा मेडिसिन है, अगर आपको खुदा की जात पे फेथ नहीं होगा आप अगले जो प्रेशर आने वाला है आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपके पास जो थोड़ा बहुत कैश या लिक्विडिटी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपने अपनी बिजनेस प्लानिंग करनी है, दिस इज द राइट टाइम फॉर प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग, आई रिपीट, इस वक्त का जो टाइम है वो प्लानिंग का है। अगर आपने अगले 6 महीने, 1 साल 2 साल के टाइम को, अब चीजों को प्लान, अपने रिसोर्सेज को प्लान नहीं किया, एक एक रुपया चाहे वो वक्त हो चाहे पैसे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। जो प्लान कर जाएगा तो मजे की बात है, उसी के लिए आगे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कोई भी चैलेंज या प्रॉब्लम आती है तो वो उसके अंदर इनबिल्ट अपॉर्चुनिटीज भी छुपी होती है, और वो उनके लिए होती है जो सोते नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ जो सोता है वो खोता है, तो जो सो जाएगा इस सारे सिचुएशन में अपना जी, तो वो अगले आने वाले डिफिकल्ट टाइम में फंस जाएगा। थैंक यू। सही, आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई में एक मूड स्विंग्स का, वाकई में आई फील दैट आल्सो, बिकॉज़ यू नो आप अपने आप मूड ठीक करते हो एंड देन थोड़े बाद इट हिट्स यू के ये सब क्यों हो रहा है, एंड योर माइंड फॉरगेट्स कि ये सब क्यों हो रहा है, एंड देन यूर डिप्रेस्ड अगेन, और फिर आपको अपने आप को वापस ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं मैं तो इसलिए डिप्रेस्ड हूँ बिकॉज ऑफ सिचुएशन, पूरी दुनिया कैसी है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, तो उसमें अच्छा अब बेसिकली ये बात भी हो गई। अच्छा और भी अगर आप थोड़ा, अभी हमने जिससे फाइनेंशियल डिप्रेशन से कैसे निकले ये सब आपने एडवाइस किया है, अच्छा और जो मेंटल डिप्रेशन जो लोग फेस कर रहे हैं, अच्छा जो लोग पहले ही डिप्रेस टाइप के थे उनका तो खैर मैंने आई हैव रेड कि वो तो यू नो सुसाइड रेट्स भी बढ़ने का अंदेशा है दुनिया में ऑल ओवर, एंड तो मेंटल जो डिप्रेशन है उसका क्या कोई आप टिप्स दे या कुछ इस तरह से गाइड करो उसको क्या करें। थैंक यू वेरी मच आपका अगेन, ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया आपने कि जो मेंटल डिप्रेशन है, जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है और जो मेंटल डिप्रेशन है, वो बेसिकली आपका जो सबसे बड़ा जो आजकल लोगों को चल रहा है वो जब वो मीडिया का है। तो पहला जो जो इशू है इस वक्त, हकीकत इतनी ट्रेजिक नहीं है, टॉक्सिक नहीं है जितनी कि मीडिया ने हमें पागल कर दिया, लोगों को दिमाग खराब कर दिया। तो पहला इलाज क्या है डिप्रेशन का, जो मेंटल डिप्रेशन है, कि आप रोजे रख रहे हैं ज़रा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए 1 महीने के लिए मीडिया का रोजा रख लें। यानी कि टेलीविजन, तमाम चैनल्स को 1-15 दिन के लिए या महीने के लिए आप बंद कर दें, क्योंकि आधा जो दिमाग खराब करता है वो मीडिया करता है। इतनी नेगेटिविटी को, वो नेगेटिविटी को सेल करते हैं, वो बेचते हैं, तो वो हम जैसे उनके खरीदार हैं, तो वो अच्छी बात, अच्छी खबर कोई डिस्प्ले नहीं करते, वो नेगेटिव चीजों को प्रमोट करते हैं। और आदमी की जो एनर्जी होती है, डिप्रेशन बेसिकली है क्या,
असल में ना ये जो कोरोना से पहले ही डिप्रेशन बड़ी फैशनेबल डिजीज बनी हुई है, पता है, हर जो फैशनेबल बंदा है, बड़ा आदमी है, बच्चा, जी मुझे डिप्रेशन हो गया है, ये बड़ी एक मम्मी डैडी किस्म की डिजीज बन के रह गई। तो वो पहले तो सबसे पहला क्या है जी कि आपने जो लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइसोलेशन फ्रॉम मीडिया, यानी कि इसको उर्दू में मैं बोलूंगा कि एक महीने का टेलीविजन का रोजा रख लें। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन आपसे पता चल जाएगा दूसरे से कि जी क्या बंदे हो गए, क्या हालात हैं, तो इट्स ओके, इतनी सी इंफॉर्मेशन ही चाहिए, हम इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमको प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि हमने को फैसले करने हैं। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, जो डिप्रेशन के बाद दूसरा जो इलाज है वो है रूटीन इज अ किंग। क्या बोला? रूटीन इज अ किंग। रूटीन इज किंग, यानी कि आपकी जो रूटीन की लाइफ थी, सुबह आप उठते थे, दफ्तर में जाते थे, आप अपना शेव करते थे, एक मर्द है एक फीमेल है, अपना अच्छा सा लाइट सा मेकअप किया, कपड़े चेंज किए और एक ऑफिस में गए, वहां मसरूफियत की, शाम को वापस आए, घर आए। तो अनफॉर्चुनेटली जो डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है कि हमारे हम घरों में बैठ गए और हमारी रूटीन ब्रेक हो गई। अब लोग रात को सारी जागते हैं और दिन सारा सोते हैं, ना लोगों को पढ़ने का टाइम, ना काम करने का टाइम, ना जो वर्क फ्रॉम होम की जो मिथ है वो भी ब्रेक हो गई है, वो भी लोगों के पास फोकस ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो उस वजह से एक सेकंड बड़ा मसला जो क्रिएट हुआ है हमारा कि हमारे पास इतना जो है ना वो रूटीन नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होता है कि एक जो ना हम सोशल डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आया है, मैं तो समझता हूँ कि ये एंटी सोशल डिस्टेंस हो गया है, यानी कि हमें लोगों से फिजिकल नहीं मिलना, हम तो लोगों का बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, हम तो टेलीफोन भी नहीं करते किसी को, कहीं टेलीफोन से कोरोना ना निकल के बाहर आ जाए। Yes, I know someone वो किसी को कॉल करना उन्होंने छोड़ दिया। I was thinking के why this person is not ये social distance नहीं हुआ, ये anti social distance हो गया थी। बिल्कुल, तो ये वाली चीजें अल्टीमेटली इंसान की जो 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 उसकी जो हैप्पीनेस है, ये रिसर्च है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की और तमाम तो दुनिया के गुरु की, कि इंसान की जो रियल हैप्पीनेस है वो उसकी रिलेशनशिप्स में है। जब तक आपके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपनी जो आपके जो चाहने, जब ऑफिस वालों के साथ, टीम्स के साथ, बॉसेस की, जब आपके रिलेशनशिप मीनिंगफुल नहीं होंगे, एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा, आपको डिप्रेशन से कोई चीज नहीं बचा सकता, ठीक है ना। और चौथी चीज, ये जो जो बहुत ज्यादा जो होता है कि लोगों के ना, लोगों के पास जो भी आती है कि लोग अपना पढ़ना और लिखना भूल गए हैं। मैं समझता हूँ आप अपनी हर बंदे को चाहिए कि अपनी एक कॉपी जो है ना, किताब रखे, अपनी कॉपी में किताब में लिखे करे अपनी जो मेंटल स्टेट है, अपनी सिचुएशन है, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। उससे क्या होता है कि एक इंसान का जो दिल होता है गुबार, तो वो इंसान को वो सेल्फ, इसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, वो बंदा जब लिखता है कागज के ऊपर तो उससे क्या होता है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। तो एक बहुत भी एक ये इलाज है कि आप अपनी दिल की हर बात को अपने अपनी डायरी मेंटेन करें और उस पर लिखें करें। और पांचवी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। घरों में लोग जो होते हैं ना, वही बात, डिसिप्लिन की कमी की वजह से फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आते। तो बॉडी एक बड़ी अजीब सी चीज है, मैं अक्सर इसको कहता हूँ कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी कि अगर आप कुछ सैड बैठे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, तो आप अपना कोई फिजिकल एक्टिविटी में आ जाए, कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर जिम नहीं जा सकते तो आप अपना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप जब पड़ जाते हैं, उससे क्या होता है कि आप जो आहिस्ता 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 चीजें जो होती है ना, आप अपना बड़ा बेहतर महसूस करते हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और एक और आखिरी एक्टिविटी मैं आपको करवा देता हूं और अपने सुनने वालों देखने वालों को, कि डिप्रेशन का ये बहुत बड़ा इलाज है। मैं आपसे ज़रा ये कहता हूं कि एक ये नाक पे उंगली पे हाथ रखें, ऐसे ऐसे पकड़ें, और डेढ़ मिनट, हाँ यस, और आपने सांस बंद कर लेनी है और एक मिनट से डेढ़ मिनट सांस, उंगली बंद, उंगली को ऊपर रखना है और मुंह भी बंद कर लेना है ऐसे। अच्छा, सांस बंद करनी है ऐसे, ठीक है, वन मिनट। अच्छा, तो अब क्या होगा, एक मिनट के पहले पहले क्या होगा, आपकी चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी, बस 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 बस, ठीक हो गया। एक मिनट पूरा नहीं होगा आपसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक से डेढ़ मिनट के बाद आपको पता है क्या इसका फील होगा कि जिंदगी में इस वक्त ना आपके जॉब के बारे में कोई आइडिया होगा, अगर आपका कोई बिजनेस का लॉस हो गया वो भी भूल जाएगा, आपको हर चीज भूल जाएगी, सिर्फ एक चीज याद रहेगी जरा कि मैंने सांस लेना है। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? सांस। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है?
सांसें हैं, सांस हमारी सांस कि हम ना जिंदा अल्लाह की हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपको ये नाक बंद करके देखें तो पूरी की पूरा डिप्रेशन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सही 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 बिल्कुल, यानी कि वो एक एटलीस्ट कुछ देर के लिए आप बूस्ट भी हो जाओगे, सर्कुलेशन भी मेरा ख्याल है बूस्ट हो जाएगा और इंसान यस, रिफ्रेश भी हो जाएगा बिल्कुल। ये तो आप मेरा ख्याल ये है जो बहुत ना, ये इस सांस को जाने, इस एक एक लम्हे में जिंदगी गुजारना सीखें, चाहे क्वारंटाइन हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बाहर हो। वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, मैं डेडिकेट करता हूँ सुनने वाले देखने वालों को, कि पागल ये मत देख जिंदगी में कितने पल हैं ये देख, पागल ये मत देख जिंदगी में कितने पल हैं ये देख, एक पल में कितनी जिंदगी है। कि हमने एक एक लम्हे में जिंदा रहना है भाई, एक एक लम्हे को, ये खुदा के, ये जो खुदा जो नेमत है जिंदगी, इसको जी के जाना है, वरना मर जाना है। अभी देखा नहीं, 3 दिन में दो इंडिया के बड़े सुपरस्टार, जिनको हम बचपन में देखा करते थे, और उनकी जी। फिल्में, ऋषि कपूर और ये इरफान खान, अभी मैंने खान उसका कुछ दिन पहले मूवी देखी, तो वो बेचारे क्या छोड़ के लेके गए हैं यार, क्या बड़े बड़े जी लोग थे, कितने खूबसूरत लोग थे, आर्टिस्ट थे, कोई तलक नहीं था उनका, कोई कोई रिलीजियस लेवल का, कोई उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक बड़ा जी जबरदस्त उनके अंदर एक आर्टिस्ट था। तो क्या मैसेज जाता है कि यार हमने भी एक दिन चले जाना, आज नहीं तो कल चले जाना। जी इसलिए कहते हैं कि पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासे, पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासे, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब ने कुदरत ने मुझे छुपा, जब छुपा अपने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। तो ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा एक जिंदगी का ये लेसन है कि जिंदगी के एक एक लम्हे में जिए, एक एक लम्हे में जिए, पावर ऑफ नाउ। कहते हैं यस्टरडे इज हिस्ट्री एंड टुमारो इज मिस्ट्री, है जारा जी क्या बोला? सही बात। यस्टरडे इज यस्टरडे हिस्ट्री एंड टुमारो इज मिस्ट्री एंड टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट को इसलिए प्रेजेंट प्रेजेंट कहते हैं कि ये गिफ्ट है। सही सही आज सही मैं आपको कहूं कि आपके अकाउंट में, अगर इजाज़ ने सर, आपके अकाउंट में 1,86,000 186,000 रुपीज जमा करा दे, तो जरा सही क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी। हाँ, 2 लाख रुपए के करीब एक दिन में, दो हर रोज जमा होंगे, यानी कि हर रोज 1,86,000 रुपए, 186,000 रुपीज अगर आपके बैंक अकाउंट में मैं रोज जमा करा दूं, तो रोज आप उन 1 पैसों को क्या करेंगी? रोज 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो। आई थिंक कुछ अरसे बाद मैं ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में बांटना शुरू हो जाऊंगी, ज्यादा नहीं नहीं जाहिर नहीं उतना पैसा और मेरे लिए हर भी रोज अगर टारगेट अगर जरा अगर आप वो यूज नहीं करेंगी, कुछ वो अरसे पैसे बाद वो बैंक वाले ले लेंगे, डेली आपको मिलेंगे और डेली आपके खत्म होने चाहिए। आप नहीं खत्म करेंगी तो आपके अगले दिन वो 0 हो चुका होगा बैलेंस। ओके ओके क्या सही। करेंगी आप, कहाँ स्पेंड करेंगी? आई थिंकिंग ऑफ द पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछ के आपने जरा टाइट सिचुएशन पर डाल दिया। आई एम वंडरिंग व्हाट वुड बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन देखिए, आप लाइक कपड़े दैट। खरीदेंगी, आप परफ्यूम्स खरीदेंगी, आप क्या खरीदेंगी, चैरिटी करेंगी, आप किसी अपने दोस्त को अपना खाना खिला देंगी। अरे भाई, ये दो असल में जो 2 लाख रुपया है, ये सेकंड्स हैं। ये अगर आप 24 आवर्स को अगर टाइम में कन्वर्ट करो, तो 24 घंटों में हमारे पास 1,86,000 रुपये ये सेकंड्स हमें हर दिन सुबह हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो 24 घंटे सो हर इंसान को, मुझे भी और आपको, बराबर मिलते हैं। लेकिन कोई रो के गुजारता है, कोई सो के गुजारता है, कोई अपना ख्वाब देख के गुजारता है, कोई किसे। तो जो बंदा टाइम को इन्वेस्ट करता है, वही अगले वाले दिनों में कामयाब होगा, वही अगला एंटरप्रेन्योर बनेगा, वही खुश होगा, वही हैप्पीनेस पे जाएगा। जो इन 1,86,000 रुपयों को जाया कर देता है, यकीन जाने वो फिर रोएगा। तो प्लीज सही इन एक बिकॉज लाख छियासी हजार वो रुपयों की एक कदर वो करें। चले जा ठीक है, यस, तो बिकॉज वो इसकी कदर एवरीडे चले करें, वी जाने हैव हैं टू तो वैल्यू आप टाइम। उसको यू मस्ट यूज इट इन पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे, और उसको यूज बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल बात की। अच्छा थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं। एक सेकेंड, चौधरी खुरन is saying great initiative. Mr. Saeed Ahmed Saeed, I am a TV producer director, is saying good. Rizwan Malik is saying Assalamu alaikum guys. Shafak Khalid is saying excellent talk boss, amazingly conducted the session Zara. And Shafak has a question for you. Many companies are changing their course of business to digital medium. Do you think that this will affect the businesses and market sales, since we Pakistanis are not familiar with
डिजिटल वर्किंग, टेक्निकल वर्क, टेक वर्क इश्यूज से. जी, क्या क्वेश्चन है गगन जी? बोले बोले, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मेनी कंपनीज आर चेंजिंग देयर कोर्स ऑफ बिजनेस टू डिजिटल मीडियम. डू यू थिंक दैट दिस विल अफेक्ट द बिजनेसेस एंड मार्केट सेल्स, सिंस वी पाकिस्तानीज आर नॉट फैमिलियर विद डिजिटल वर्किंग. ओके, मतलब टेक सेवी नहीं है हम लोग. ठीक है, मैं समझ गया हूं. I got the question. ये देखिए, ये वक्त लगेगा, ये टाइम लगेगा. एक 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 बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है, बहुत बड़ा चेंज है. इस चेंज को अब लोगों ने समझ लिया है, अवेयरनेस लेवल आ गया. पहले लोग डिनाइल फैक्टर में बैठे थे, अब डिनाइल से निकल के लोग बाहर आ रहे हैं. तो इसके बाद क्या होगा, आने वाले चंद महीनों में, पहले जो सफर, जो जर्नी हमने ईयर्स में तय करनी थी, वो हम अब मंथ्स में तय करेंगे. तो हम आने वाले दिनों में डिजिटल होंगे, डिजिटल स्किल्स डेवलप करेंगे. जो बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड था, उसको हम अब ओवरकम करेंगे नेक्स्ट फ्यू 1-3 इयर्स में. फिर लोग इसका, जैसे अभी भी लोग ग्रोसरी और चीजें ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और महीनों में पीपल विल स्टार्ट लर्निंग दी स्किल्स के अब ये जो सेल्स है तब हमने ऑनलाइन करनी है. लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन टच, ह्यूमन फैक्टर वो कम नहीं होगा, वो भी ऐसे ही चलता रहेगा साथ साथ. लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली अब ये चेंज आएगी और चेंज आ रही है. Say. Next. Tariq Mahmood saying wonderful. Rashid Malik is saying मेरी सर से जर्मनी में मुलाकात हुई, बहुत बेहतरीन इंसान. आपसे मुलाकात इनकी जर्मनी में भी थी, राशिद मलिक. Yes, Rashid is a great person, great human being, mashallah. Arif Raza is saying wonderful. Okay, we have one more question. This is the last major question before we head to our light topics. So basically, अब जैसे आपने हमने financially और mental education की बात की, अब आपको पता है कि जब jobs जैसे market में लोगों की इतनी गई है, इतने लोगों की jobs गई है, और business में भी सबके बहुत loss हो रहे हैं. अब जब इस तरह का जब जॉब ही नहीं है, तो मतलब पैसे ही नहीं है तो दैट मींस स्ट्रेन, एंड दैट्स हाउस विल दैट स्ट्रेन इन अ हाउस व्हिच इज बिकॉज़ ऑफ नो मनी विल लीड टू फाइट्स इवेंचुअली बिटवीन स्पाउस, हस्बैंड वाइफ हो गए घर में, यू नो, बिकॉज़ जाहिर है अगर पैसे ही नहीं आ रहे तो वो तो you know it's the root of all evil once there is no you know income coming in. So jo aajkal jo relationship challenges jo strain pad raha hai, aapas mein dusre se family members ladna bhi shuru ho jate hain choti choti baaton pe, to itna strain hai, to usko kis tarah se aap advise karenge? देखें अपना ये ज़ारा, ये अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. दो बातें इसमें रखिएगा, जो पैसे हैं ना, ये रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिसोर्सफुलनेस है. देखिए ना, हमें ना कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल को डिफरेंशिएट करना सीखना है इस सारे डिफिकल्ट टाइम्स में, कि इस जॉबलेसनेस में, इस होपलेसनेस में. दो चीजें सीखनी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बहुत चीप है. इंसान को पूरे दिन में दो वक्त की रोटी चाहिए ना, सिंपल एक रोटी 10-20 रुपए की, तो रोटी बड़ी सस्ती है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट एक्सपेंसिव. जो असल चीज है, प्रॉब्लम है, वो कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल है. हमारी गाड़ी, हमारा बड़ा घर, हमारे ये चीजें इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं बहुत ज्यादा. तो हमें पहली बात तो ये चीज सीखनी है. दूसरी कि रिसोर्सिस की कमी से इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो रिसोर्सफुलनेस की कमी से जाता है. यहाँ आपने सीखना ये है कि रिसोर्सफुलनेस क्या चीज है और रिसोर्सिस क्या चीज है. पैसों का प्रॉब्लम जो होता है वो इतना तंग नहीं करता जितनी बेयकीनी और जितनी स्ट्रेस बंदे को खा जाता है. तो इंसान जो होता है ना, अल्लाह की मखलूकात देखें, चिड़िया हैं, कबूतर हैं और बड़े पिजन्स हैं, इतनी दुनिया मखलूकात, अल्लाह ताला किसी को भूखे नहीं सुलाता. उनके पास तो नौकरी नहीं होती ना, उन परिंदों के पास तो उनके मालिक भी नहीं होते, वो तो बेचारे खुद ही उड़ते हैं और अपना रिजक हासिल करके चले जाते हैं. तो इंसान को ना ये चीज तंग नहीं करती. लेकिन अगर इंसान दिमाग में, जो इंसान आज का सबसे बड़ा जो इश्यू है, आपको पता है कि जो सबसे बड़ा नंबर वन चैलेंज क्या है आज का ज़ारा, वो है खौफ, फियर. इस वक्त सबसे बड़ा जो 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 जिस चीज ने लोगों को घर में बंद कर दिया, जहनों को बंद कर दिया, तो माओं की सोच को बंद कर दिया, सोचना बंद हो गए, वो फियर है. और फियर का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि फियर लोगों को यूनाइट करता है.
जो भी फियरफुल होते हैं वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो फियर जो है ना दैट इज जो ना इसको मैनेज करना जरूरी है। और इसका इलाज क्या है फियर का, वो फेथ है, क्योंकि फियर और फेथ की आपस में जंग रहती है, हर वक्त जंग रहती है। जिसका फियर का लेवल हाई होगा अल्टीमेटली उसका फेथ का लेवल लो होगा, अगर जिसका फेथ का लेवल हाई होगा उसका फियर का लेवल हाई होगा। तो प्लीज अपने अंदर ऊपर एक इंस्टॉल कर लें, अगर बहुत पर्सनल चाहिए होंगी तो आपके रेफरेंस से मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं उसका 1-on-1 काउंसलिंग कर लूंगा। लेकिन फेथ इज द अल्टीमेट की फैक्टर इन इन कंबैटिंग इन फाइटिंग दिस कोरोना COVID-19 जो जो फेज जो स्टेज है। थैंक यू, ओवर टू यू। सही आपने कहा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके लिए। अस्मा इजाज सिंह, नाइस। अंजुम जिया सिंह, एवरीवन नीड टू थिंक ऑन, एवरीवन नीड्स टू थिंक ऑन हिज सर्कमस्टेंसेस फॉर जॉब्स एंड बिजनेसेस थ्रू हिज ओन मैनेजमेंट एंड गोल। साइल मास इज आस्किंग, सर व्हेन आर यू कमिंग टू दुबई? आई थिंक उनको बोले जब फ्लाइट्स चलेंगी तभी। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं दुबई आते हैं, अगर हालात अच्छे होते हैं भी वहां भी सेशन करते हैं। तो ज़ारा बिफोर वी एंड अप द सेशन, एनी वन टू थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क बिफोर वी बैक लीव? यस यस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस वी हैव। एक ये है कि सक्सेस की डेफिनेशन आपकी क्या है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? ये बड़ा बड़ा सा मुश्किल सा सवाल है। बहुत सक्सेस बड़ी हर बंदे के पास बड़ी, लेकिन सच्ची बात यह है कि सक्सेस जो होती ना वो रियली एक तो मटेरियल सक्सेस है जिसमें आपकी चीजें सामान दौलत पैसा ओहदा शौहरत ये इसका बड़ा 10-20% पार्ट है। जो 80-90% पार्ट है सक्सेस का कि व्हेन यू कंकर द हार्ट्स ऑफ अदर यू आर अ गिवर। क्योंकि जिंदगी में जो प्लेजर गिविंग करके आता है देकर मिलता है, जो सुकून आता है, यू आर अ गिवर। और सबसे बड़ी जो सक्सेस है वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि जब बंदा शुक्र में आ जाता है, एक ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस में आ जाता है टू द क्रिएटर, वो जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान है जो कि गिवर भी है और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ जिंदगी गुजार रहा है। हर लम्हे को वो एक शुक्र के साथ जिंदगी गुजारता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है जिंदगी की। सही 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 कह रहे हैं आप। देने से जो एक खुशी मिलती है वो वाकई में ऑक्सीजन से भी। अच्छा, अब आपका हम आखिरी तीन सवाल आपसे जो करने थे वो ये थे, आपकी फेवरेट बुक, आप खुद भी ऑथर हैं और आप कौन सी बुक एडवाइस करेंगे लोगों को पढ़ने के लिए, योर फेवरेट मूवी एंड योर फेवरेट कंट्री सिंस यू आर सो वेल ट्रैवल्ड, आपके तो कितने सेशंस भी होते हैं फॉरेन कंट्री। किताब तो मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, किताबें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल के हालात में मैं कहूंगा कि आप वासफ अली वासफ साहब को पढ़ लें। पाकिस्तान में बहुत मेरे उस्ताद भी थे, टीचर थे, तो वासफ अली वासफ की दिल दरिया समंदर कतरा कतरा कुलजम पढ़ें किताब। एक मुमताज मुफ्ती की किताब है, मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर पढ़ें, वो है तलाश। ये तलाश किताब जो ना हर बंदे ने पढ़नी है, अगर ये क्वारंटाइन में उसने पढ़ ली तो उसके आधा मसला वैसे ही हल हो जाए। तो ये किताब पढ़नी। और दूसरी मूवी की बात करते हैं तो मूवी में एक मूवी है मेरी बड़ी टॉम सैंक्स की मूवी है कास्ट अवे, उसको देखें कि वो कैसे वो 4 साल तक के लिए एक जजीरे में एक आइलैंड में उसका जहाज क्रैश हो जाता है और वो क्वारंटाइन समझ लें कि आइसोलेशन में चला जाता है। तो 4 साल तक 4 ईयर्स तक वो कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे उसके फुटबॉल को एक वो उसका दोस्ती कर लेता है, उसका एक एलेक्स उसका बन जाता है, उसका फ्रेंड होता है, तो किस तरीके से फिर वो अपनी बोट बनाता है, किस तरीके से वो लड़ता है। तो ये भी एक बड़ा जवाब है कि लोगों को कैसे स्ट्रगल करता है एंड 4 ईयर्स, हमें तो 14 दिन की आइसोलेशन नहीं हो पाती मुश्किल से, तो वो 4 ईयर्स की आइसोलेशन कैसे गुजारता है। तो वेरी केस स्टडी है, बहुत जबरदस्त। तो मूवी में ये देखें और ये मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी आपको मोटिवेट करेगी आजकल के हालात में, और किताब जो मैंने आपको बताया। तो ये 2 सवाल थे जी आपके, एनी अदर क्वेश्चन? और मुझे सबसे ज्यादा 2-3 जगह पसंद आई। एक तो स्विट्जरलैंड में इंटरलॉकन एक जगह है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ बड़ी मशहूर मूवीज की, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन वो तो दिल करता कि बंदा हनीमून के लिए जाए, अकेले जाने का मजा नहीं आता वहाँ। और उसके बाद फिर एक और जगह है नीदरलैंड,
और हॉलैंड, हॉलैंड में हॉलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने उसका जो एम्स्टरडेम देखा, इट्स अ ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ये दो जगह बहुत पसंद आई। आई लव टू गो वंस अगेन इन माई लाइफ, एक तो बार दोबारा जाऊंगा मैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, एक नीदरलैंड अपना एम्स्टरडेम और एक इंटरलॉकन, इंटरलॉकन फ्रॉम स्विट्जरलैंड। चलिए जी, अच्छा मिस्टर जॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू आर बिजी पर्सन एंड यू गेव अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल बातें आपने की। आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसे एंजॉय भी किया, और बिकॉज जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेवल सबके लिए हाई है आजकल, एंड मेरा ख्याल है जैसे कि मिस्टर जॉस कह रहे हैं, आप लोग इन्हें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं फॉर हिज कंसल्टिंग सर्विसेज एंड एडवाइस ऑन हिज फेसबुक एंड ईमेल्स। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एजाज फॉर कमिंग, बहुत अच्छा थैंक यू, रहा आज आपके साथ। बहुत ओके शुक्रिया। थैंक एक लास्ट पॉइंट पे बोलता हूँ, आपका भी शुक्रिया। आप यू, जरा बहुत बड़ा काम कर रहे हो एंड आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह आपने स्टार्ट किया, बड़ी मोटिवेशन स्प्रेड कर रहे हो। आई ऑलवेज आई आल्सो थैंक्स टू यू एंड योर योर कि आप एक सोर्स बन रहे हो, आप एक इंस्पिरेशन का। और एक जाते वक्त मैं एक और बात बोलता चला जाऊंगा कि जिंदगी में जो जिंदगी है वो अल्लाह पाक की एक अमानत है, तो इसके अंदर जो अपना फियर है इसको, इसके साथ आपको अगर जिंदा रहेंगे तो आप मर जाएंगे, और अगर आपने फेथ के साथ जिंदगी गुजारी तो फेथ इज अल्टीमेट सॉल्यूशन, कि आप अल्लाह की जात पे रोजे हैं ना, आप अल्लाह के साथ कनेक्ट करें। दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम कि हम अपने वक्त जो है अपने खुदा की जात को दें और उसी से मांगें, और वही आपको कैसा देगा, हौसला देगा। बाहर की दुनिया को आप बिल्कुल छोड़ दें, भूल जाएं, आपके अंदर का मोटिवेशन को आपने मेंटेन करना है। छोटे होते हमारे टीचर हमें एक एग्जाम्पल दिया करते थे, जरा दो तरह के बैलून होते थे, एक बैलून में ऑक्सीजन होती थी उसको कहते थे उड़ाओ, वो उड़ता नहीं था, और एक बैलून को कहते थे छोटे थे वो उड़ जाता था, तो कहते थे इसमें ये उड़ता क्यों है, तो बाद में कहते थे कि इसके अंदर ना हीलियम गैस होती है, जो हीलियम गैस होती है ना उसके अंदर थी, तो बैलून के अंदर वो जो लाइट होती है हवा से हल्की होती है ना गैस, तो उड़ जाता है। तो कहते हैं कि जिंदगी भी ऐसी है, दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं जो बाहर से समझते हैं हमें मोटिवेट किया जाए, एक वो होता है जो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर एक हीलियम गैस होती है जिसकी वजह से वो उड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आज ये बाहर के जो मोटिवेशनल टास्क है माइट बी 10% काम करें, असल चीज वो आपके अंदर हीलियम है, आपके अंदर की गैस है जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको ऊपर लेके जाएगी। और उस हीलियम गैस का नाम क्या है कि अल्लाह ताला की जात पे मुकम्मल यकीन, दिस इज द हीलियम। अगर वो आपके अंदर आ जाए तो जरा किसी चीज की भी आपको जरूरत नहीं है, किसी बाहर की टेंशन और बाहर की मोटिवेशन की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह थैंक यू मिस्टर, थैंक यू, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। एंड अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से आप सबको भी, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो आज का सेशन और थोड़े मोटिवेशनल टिप्स भी दिए हो। जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड दैट्स ऑल वी कैन रियली डू, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।